मेरी मम्मी लेटी है क्योंकि मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है और ये मतलब कि बीपी लो हो गया बहुत, इसलिए नींबू से मंगवाया है। था भी मम्मी का मतलब कि सुबह से माथा घूम रहा है, चक्कर भी आ रहा है और तबीयत ख़राब है। अभी मतलब मम्मी को तेल दिए सिर में, पैर हाथ में तेल दिए, मालिश किए अभी थोड़ा। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका ब्लॉग माय बेटी में। तो दोस्तों देखिए मम्मी फिलहाल छत पे जा रहे हैं क्योंकि छत पे कुछ सूखने में छत पे नहीं आ रही है। देख सब स्टॉल दिए थे, देख सकते हैं स्टॉल है। और दोस्तों देखिए हम अभी यहीं पे हैं क्योंकि अभी तो बताया तो कुछ था मतलब कुछ है मतलब कि अभी पंचम से कुछ ऐसा ही बोला जाता है। हम अभी घर नहीं जा रहे दो तीन दिन में मतलब 24 तारीख के बाद किसी भी दिन जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल यही और क्योंकि हम यहाँ रहेंगे नहीं, होली तो हम अपने घर में ही करेंगे यानी ससुराल में, यहाँ होली नहीं करेंगे। भाभी भी मतलब कि होली में आ गया, वो होली रुकने लेकिन रुक नहीं पाएंगे अपना दिन। भैया का बेटी जो है उनका बर्थडे भी है तो देखेंगे अगर जो बर्थडे में ऐसा हुआ मतलब कि आने का मौका लगा तो आएंगे मतलब कि होली के बाद उसका बर्थडे में। अभी तो फिलहाल हम नहीं आ रुक पाएंगे होली तक क्योंकि घर भी तो जाना, बहुत दिन भी हो गया। सरस्वती पूजा से पहले ही आए थे हम, किसी को पता आप लोग को भी। अब दोस्तों हम पहले तो आर पे जाते हैं, देखते हैं हमारी सरस्वती कहाँ है। सीटो हम बैठी है देख सकते हैं, नीचे में सीओ मतलब कि देख सकते हैं सीओ खा रही है और मतलब गाय वो मेरी बहन लगती है जिसके साथ वो खेल रही है मतलब उसका मौसी है। तो देखिए अभी मेरे द्वार पे है मतलब ये विश्वरी माँ का मंदिर है, मतलब विश्वरी माँ जो होता है उनका मंदिर है। और देखिए यहाँ फूल भी लगाए देख सकते हैं, तोड़ेंगे नहीं काहे कि तोड़ के तो बर्बाद क्यों करेंगे, एक तो तोड़ लिए जो कि सृष्टि को देंगे देख सकते हैं खेलने, क्योंकि ये देखिए वहाँ किस चीज से खेल रही है, गोठा के पास बैठी हुई कहाँ है वो। अभी फूल दें, फूल से थोड़ा देर खेलेगी। देखो तुम क्या ला और खाएगी सीओ, खाएगी हाँ देखिए हाँ बोलती खाएगी और सीओ बेटा खाएगी दो दिए उसको फूल और सीओ ला के देते हैं उसको खाएगी क्योंकि मतलब कि सीओ खाती है इसलिए उसी के लिए लिए थे थोड़ा सा ला रहे खाना। तो दोस्तों देखिए कटिटा सीओ आ गया है, कहे कि यही तो इसके लिए बहुत है रख देंगे तो वही चुन चुन के करिए दिखाएगी देख सकते। तो हम ठीक है तो इमी सृष्टि को दे देते हैं, बाहर पे बैठ के खाएगी लोपटे देखिए एक एक तो चुन के खाती है। और दोस्तों क्या ये बताएं, देखिए अभी नींबू ला के दिया है मेरे बच्चा है मेरा मतलब कि देखिए दोस्तों। तो ये मतलब कि मेरी मतलब बगल वाली जो भाभी है उनका बेटा है और देखिए नींबू ला के दिया और देख सकते हैं वहाँ मेरी मम्मी लेटी है खटिया पे। तो मेरी मम्मी लेटी है क्योंकि मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है और ये मतलब कि बीपी लो हो गया बहुत, इसलिए नींबू से मंगवाया मतलब था भी नहीं वही थोड़ा सा ला के दिया देखिए क्योंकि मतलब बाजार भी नहीं गया कोई ने बुला भी नहीं पाया इसके वही थोड़ा सा ला के दिया उसकी मतलब कि मेरी बहन जो वहाँ रहती है दीदी वो थोड़ा सा ला के उससे थोड़ा सा दिए क्योंकि मम्मी को शरबत बना के देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। मम्मी का मतलब कि सुबह से माथा घूम रहा है, चक्कर भी आ रहा है और तबीयत ख़राब है। अभी मतलब मम्मी को तेल दिए सिर में, पैर हाथ में तेल दिए, मालिश किए अभी थोड़ा लेती है उसको थोड़ा आराम है और नींबू का शरबत बना के दे देंगे तो फिर थोड़ा ठीक लगेगा। तो इसलिए फिलहाल हम शरबत बनाएंगे देख सकते हैं। चीनी कहाँ रखा है, बाहर में ही है शायद,
इसलिए सृष्टि को दिए द्वार पे बैठाएं और वो बच्चा को बोले देखने, वही लड़की देख रही है और हम मम्मी का मतलब कि उनको तेल दिए और सब कुछ किया। अब जाते हैं शरबत बना के फिर मम्मी को देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी और मन भी नहीं लग रहा घर में, इसी वजह से मम्मी का तबीयत जो खराब। इसलिए तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक, मेरा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे अपने।